नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू वन बाई ए के आर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट हार डायनेमिक्स लिमिटेड, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कल के दिन में स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, देन डिविडेंड को लेकर के अपडेट, एंड क्वार्टर फोर रिजल्ट का भी अपडेट आने वाला है। इन सभी चीजों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी चेक करेंगे कितना शेयर्स आएगा, कब तक आएगा आपके डीमेट अकाउंट में, एंड क्या प्राइस कल के दिन में दिखने वाला है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं विद भारत डायनेमिक्स, जहां पर आज के दिन में 7% 7.13% का उछाल देखने को मिला। 2827 के प्राइस में ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। 188 पॉइंट का उछाल आज देखने को मिला। लो चेक कीजिएगा, 2641.85 का, 2641.85 का लो है, एंड 2958 का हाई देखने को आज के दिन में मिला है। अगर फ्रेंड 1 साल 1 ईयर में चेक करेंगे तो देख सकते हैं 162% इस शेयर ने दौड़ा है। एक तरफा ऊपर का मूव यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तरफा ऊपर का मूव, जबरदस्त मूव है। 1 साल में 900 से देखिए कहाँ चला गया, 2958। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जबरदस्त रिटर्न लोगों के यहाँ मिला है। एंड फ्रेंड, ऐसा नहीं है, इस शेयर को हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था, 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले इस वीडियो इससे रिलेटेड वीडियो बना था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पैसा छापने का अच्छा मौका बन सकता है। 22% करेक्शन स्टॉक ऑलरेडी में आ चुका था, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड अपडेट दिया गया था, डिविडेंड भी आने का अपडेट दिया गया था। उस समय ये शेयर का प्राइस 1900 1850 के रेंज में ट्रेड कर रही थी, और देखिए अब कहाँ पर है, 2827, यानी अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ चुका है इस स्टॉक में जब से वीडियो बनाया तब से। सो फ्रेंड, अब मूव करते हैं टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस कंपनी को लेकर के, जो कि अभी ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। 30 मई 2024 इंपॉर्टेंट डेट है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग शेड्यूल की गई है, जहां पर वो अपना रिजल्ट, क्वार्टर फोर रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे, प्लस डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आपको ये डेट आपके ध्यान में रहना चाहिए, आप इसको नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट दिन, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी ने 24 मई 2024 रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है फॉर सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। जो भी अगर आपका शेयर है वो स्प्लिट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, छोटे छोटे शेयर में वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो वन इक्विटी, अगर आपके पास एक शेयर है, उसके बदले में आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे 2 शेयर, यानी एक के बदले में 2 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। अभी जैसे इसका प्राइस 2827 का है, तो उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1413.50 के प्राइस में कल के दिन में ये दिखेगा। सो प्राइस जस्ट बिफोर रिकॉर्ड डेट इज टू बी टेकन, जैसे आज का प्राइस को लिया जाता है, 23 मई 2024 का प्राइस को लिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन्होंने भी आज इस शेयर को खरीदा होगा, या इससे पहले जिन्होंने भी खरीदा होगा, उन्हें स्प्लिट शेयर दिया जाएगा। कल खरीदिएगा तो आपको स्प्लिट शेयर्स नहीं मिलेगा, बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिकॉज कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कल खरीदने के बाद कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, जिन्होंने 23rd यानी आज के दिन तक जिन्होंने खरीदा, उन्हें ही स्प्लिट शेयर्स मिलेंगे। और मूव करते हैं, पूरे कैलकुलेशन को समझेंगे। तो बिफोर स्प्लिट, यानी स्प्लिट होने से पहले अगर आपने एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस 2827 का है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपका हो जाएगा 2827। आफ्टर स्प्लिट यही एक शेयर जो है वो हो जाएंगे 2 शेयर, जिसका प्राइस 1413.50, 1413.50 दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उतना ही रहेगा 2827 का। अगर आपने 10 शेयर खरीदा है 2827 के प्राइस में, तो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 28270 का। तो आपके डीमेट अकाउंट में स्प्लिट के बाद आफ्टर स्प्लिट कितना हो जाएगा, 10 के बदले में हो जाएंगे 20 शेयर हो जाएंगे आपके पास। आपने खरीद आपका ये जो प्राइस जो है 287 का प्राइस 1413.50 दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2870, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सेम रहेगा। लेकिन फ्रेंड ये भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन में आपको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा लॉस दिखेगा, उसको देख करके डरना नहीं है, बिकॉज स्प्लिट शेयर आने में टाइम लगता है, विल गेट आफ्टर सम टाइम। अब है स्टॉक, स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, क्यों किया जाता है, इन सभी चीजों को चेक करते हैं। तो व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, तो ये कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बाई डिवाइडिंग ईच शेयर इंटू मल्टीपल, तो जो शेयर है उसी को डिवाइड करके ज्यादा शेयर्स बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, एंड इसके कारण से क्या हो जाता है, दिस रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो प्राइस जो है वो आपको छोटा दिखने का, सीएमपी घट जाता है। क्यों लाया था, उसके पीछे रीजन क्या है, कि जब कंपनी को लगता है कि उनका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, बियॉन्ड रीच हो गया है, छोटे इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो खरीद नहीं रहे हैं, तो सबसे पहला चीज इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स को अल्यूर करने के लिए कि आप भी आओ, आप भी निवेश करो उसके लिए। एंड प्लस उनको ये भी लगता है कि उनके पीयर्स जो उनको कॉम्पिटिटर है उनसे कंपेयर करते हैं तो उनका प्राइस ज्यादा लगता है, इसलिए भी ये किया जाता है। प्लस इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम्स बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ज्यादा ट्रेडिंग होगा इस शेयर में, इसलिए किया जाता है। एंड प्लस अब है कब तक आपके डीमैट अकाउंट में ये स्प्लिट शेयर्स आ जाएंगे, तो फ्रेंड यूजुअली 2 to 5 days ऑफ द रिकॉर्ड डेट में ये इशू किया जाता है, तब आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स दिखने लगेगा। अब है जब तक स्प्लिट शेयर्स नहीं आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, तब तक आपके प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट में आर्टिफिशियल ड्रॉप हो जाएगा, प्रॉफिट में जो प्रॉफिट पहले था वो घट जाएगा, या फिर इंक्रीज, या फिर जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि स्प्लिट शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में अभी तक आया नहीं है, क्रेडिटेड नहीं हुआ है,
तो पीएलएन पी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है अकाउंट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जब स्प्लिट सेल्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, जो कि 2 से 5 दिन लगता है। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, डरना नहीं है अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं तब। सो फ्रेंड, इट्स अ कंप्लीट अपडेट अबाउट भारत डायनेमिक्स स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।